भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 5 दिन हो चुके हैं। बीते 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच गूंजती रहेगी। उनके गुजर जाने के बाद देश में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। कई बड़ी अनाउंसमेंट की जा रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में कई किस्से और कहानियों को शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें इस रिपोर्ट के जरिए कि लता मंगेशकर जी के रिश्ते के बारे में, उस रिश्ते के बारे में जो सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के साथ बहुत ही खूबसूरत रहा। आपको बता दें लता मंगेशकर जी सुपरस्टार शिवाजी गणेशन को अपना भाई माना करती थी। वहीं शिवाजी गणेशन का उनके साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड था। लता मंगेशकर जी ने शिवाजी के बेटे प्रभु के लिए एक आइकॉनिक तमिल सॉन्ग भी गाया था और इसके लिए उन्होंने चार्ज तक नहीं किया था। वहीं शिवाजी गणेशन उनके बहुत ही बड़े फैन रहीं। ऐसे में आपको बता दें कि वहीं शिवाजी गणेशन उनके बहुत ही बड़े फैन रहे। लता मंगेशकर जी को वह बहुत ही प्यार करते थे, उन्हें अपनी बहन मानते थे और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक शानदार तोहफा भी दे दिया। आपको बता दें शिवाजी ने अपनी बहन लता मंगेशकर जी के लिए चेन्नई में एक शानदार बंगला बनवा दिया। अपने रेजिडेंस के अंदर शिवाजी ने लता मंगेशकर जी के लिए एक बंगला बनवाया। शिवाजी के बेटे प्रभु ने इस बात का खुलासा किया कि लता मंगेशकर जी जब भी चेन्नई जाया करती थी उसी बंगले में वह ठहरा करती थी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने इस बंगले को 2 महीने में बनवाया। लता मंगेशकर जी को होटल्स का खाना पसंद नहीं था, इसलिए मेरी माँ खास तौर पर उनके लिए खाना पकाया करती थी और तब डिस्टिल्ड वाटर नहीं हुआ करते थे, इसलिए मेरी माँ उन्हें पानी उबाल कर दिया करती थी। वो दिवाली पर हमारे परिवार के लिए नए कपड़े भी भेजा करती थी, हम भी उन्हें गिफ्ट्स भेजा करते थे। ये पिछले साल तक होता आया है। लता मंगेशकर जी का रिश्ता शिवाजी के साथ बहुत ही खास रहा और उन्होंने बताया कि शिवाजी और लता मंगेशकर की बहनों के बीच गहरा बॉन्ड बना रहा जो कल तक बना हुआ था। हम फैमिली बन गए थे। लता मंगेशकर जी उन्हें तस्वीरें भेजा करती थीं और हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी उन्होंने कई तस्वीरें भेजी। वह भगवान की, बाबा की और मेरे पिता की तस्वीरें भेजा करती थी। इस तरह से लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करती थी शिवाजी के साथ और इस शानदार घर को लेकर खुलासा हो चुका है जो लता मंगेशकर जी के लिए बनवाया गया था। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।